तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया, जिसका नाम है प्योर बिगिनिंग्स। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आए ऐसा चैप्टर है। और इसमें हमने स्टार्ट किया बच्चों प्रेशर। प्रेशर के बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन गेन की और उसके सम्स भी देखे। और इक्वेशन क्या था? F perpendicular upon A. What is the equation of pressure? F perpendicular by A. याद है ना सबको? We have to take perpendicular component of the force for the pressure, not parallel. Because parallel component of the force it not responsible for the pressure. Okay? ये हमने clear किया था बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? भाई आज के लेक्चर में हम लोग जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ते थे चैप्टर 3 मोशन वगैरह, उसमें अगर हम लोग बात करें तो हमें फोर्स और मास की बहुत जरूरी बातें याद होनी चाहिए। फोर्स और मास आना चाहिए था, और वही कैलकुलेशन में ज्यादा आता है फोर्स एंड मास NLM में। हाँ, यानी थर्ड एंड फोर्थ में नहीं, परंतु आप सोच सकते हो NLM, क्योंकि काइनेमेटिक्स में जहां पे मोशन होता है वहां पे फोर्स एंड मास इज वेरी, फोर्स एंड मास बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। समझ में आया? वहां पे फोर्स एंड मास पढ़ते हैं। यहाँ पे जब फ्लूइड में आते हैं तो फोर्स की जगह क्या आ गया? प्रेशर। और मास की जगह क्या आता है? टेंशन। जब बच्चों हम लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है? फोर्स की जगह प्रेशर और मास की जगह डेंसिटी। दोनों सिमिलर बातें हैं, जो एनालॉजी कहते हो ना, यानी ये जो हमारा था बॉडी के, जब बात करते हैं बॉडी मोशन में है उसकी बात है, ये किसकी बात है बच्चों? तो कि जब फ्लूइड भी मोशन में है तब की बात है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमने प्रेशर लास्ट लेक्चर में फिनिश कर दिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग डेंसिटी की बात करने वाले हैं बच्चों। जो हमारा 10.2 ही टॉपिक रहेगा उसी में हमें डेंसिटी की बात भी करनी है। ओके, नाउ व्हाट इज डेंसिटी? वी ऑल नो अबाउट डेंसिटी, सिंपल है ना, आता है ना, किसी को इक्वेशन याद होगा ना? व्हाट इज डेंसिटी, इक्वेशन ऑफ डेंसिटी? मैंने जैसे पूछा इक्वेशन ऑफ डेंसिटी तो आपके माइंड में एक इक्वेशन आ गया होगा जिसका आपको पता है पहले से। यस, देव, स्नेहा, मुर्तुजा, सबका आंसर राइट है। मास अपॉन वॉल्यूम, बच्चों क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वी ऑल नो द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आपने 8, 9, 10 में ये डेंसिटी की बात कर चुके हो, आपको पता है। मान लो बच्चों एक बीकर में आपने पानी लिया है, दूसरे बीकर में आपने मर्क्यूरी लिया है, तो बताओ बच्चों कौन सा भारी लगेगा आपको, मर्क्यूरी वाला या वाटर वाला? विच वन इज हैवियर? मर्क्यूरी इज हैवियर। मर्क्यूरी, यस, एच जी इज हैवियर, मर्क्यूरी इज हैवियर। वाई? दोनों का वॉल्यूम तो सेम था, सेम बीकर मान लो। यस, अगर एक बोतल है बच्चों, ये ऐसी दूसरी बोतल है, एक में पानी है दूसरे में मर्क्यूरी, कौन भारी है? तो मर्क्यूरी वाली बोतल भारी होगी। हालांकि दोनों के वॉल्यूम सेम है, पर मर्क्यूरी भारी रहेगी क्योंकि भाई उसकी डेंसिटी ज्यादा है, समझ में आया? अच्छा, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इक्वेशन बनाना चाहो तो रो इज इक्वल टू एम बाय वी, सिंपल। अच्छा, फिर यूनिट बना दो। तो यूनिट की थोड़ी सी बात करेंगे अच्छी वाली। यूनिट आपको ऐसा ही नहीं पता है और सीजीएस भी पता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम? kg per meter cube. What is the unit in CGS system? So,
ग्राम पर मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्या बच्चों ये पता है आपको? हाँ सर, ये तो हमें आता है, ये तो हमें पहले से ही आता है सर, बिल्कुल बढ़िया आता है, ये तो पता ही था। अच्छा तो आप सोचोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्यों ये दो बताए जो हालांकि हमें पहले से आते हैं। तो बच्चों रीजन है इनका रिलेशन, इनका रिलेशन वो रीजन है। यहाँ पे 1 kg पर अगर मीटर क्यूब मैंने लिखा तो कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये रिलेशन एक इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सम्स में आपके यूज आ सकती है, दैट्स व्हाई हमें ये देखनी है। आइए तो सम्स में क्या है। तो बच्चों 1 kg पर मीटर क्यूब इसी कस्तु केजी को ग्राम में करोगे तो 10^3 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 10^2 सेंटीमीटर होगा, और उसका क्यूब करोगे तो 3×2=6 और यहाँ पे क्यूब। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? 10^-3। ये कैसी बात हो गई? यानी आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना चाहते हो, 10^2 मल्टीप्लाई करो। यस, अच्छा कोई +3 बोल रहा है? नहीं बच्चे, -3 आएगा, सही है ना ये? अरे 6 ऊपर आएगा, 3 - 6 कितना होता है? -3 ही होगा ना, सही है ना? अब आपको मैंने पूछा, अगर आपको मैंने पूछा 1 kg पर मीटर क्यूब कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, 10^-3 लिखो। यस सर, यस यस। अगर उल्टा हो बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो 10^3 केजी पर मीटर क्यूब हो। ये भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं ये यूज हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवाया है। समझ में आया बच्चों? यस। डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा डेंसिटी का? आपको पता है m1l-3। क्यों मैं इतनी जल्दी लिख रहा हूँ? अरे ये तो पहले से देखा है, केजी का m1, मीटर क्यूब का l, -3 ऊपर आ गया। अच्छा डेंसिटी की ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, तो स्केलर है। डेंसिटी की ऐसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर है। क्या डेंसिटी का नॉलेज मिला आपको पूरा का पूरा? क्या बच्चों मिला डेंसिटी का नॉलेज? हाँ के ना? यस। ये नॉर्मल नॉलेज था जो आपको पहले से पता है। अब थोड़ा सा एक लॉजिकल बात करेंगे थोड़ी सी। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई मर्क्यूरी इज मोर डेंसर देन वाटर, यस और नो? बट कितना डेंसर? तो यहाँ पे बच्चों हमें रिलेटिव की बात करनी पड़ेगी। क्या बात करने वाले हम लोग? रिलेटिव डेंसिटी। क्या बात करने वाले बच्चों हम लोग? रिलेटिव डेंसिटी। व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी? बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस ऑल आर डिफरेंट। ओके, सो दैट वी हैव टू कंपेयर देम। हाउ टू कंपेयर देम? हाउ टू कंपेयर देम? वी हैव टू यूज दिस रिलेटिव कंसेप्ट। वी हैव टू यूज रिलेटिव कंसेप्ट। तो बच्चों स्टार्ट करें यूज करना, समझना पड़ेगा कैसे। तो जब बच्चों रिलेटिविटी की बात आती है तो किसके रिलेटिव, ऐसा क्वेश्चन आएगा। किसके रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर है वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ पे अगर आपको डेंसिटी मेजर करनी है तो किसके रिलेटिव करोगे आप? वाटर के रिलेटिव। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस। वाटर इज द रेफरेंस फॉर द डेंसिटी।
तो बच्चों यहां पे मैं रिलेटिव डेंसिटी लिख रहा हूं रो आर, तो क्या लिखी जाएगी बच्चों? ध्यान से देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का इक्वेशन बनाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर आएगा बच्चों डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट की आपको फाइंड करनी है, नीचे आएगी भाई डेंसिटी ऑफ वाटर, बट वाटर मस्ट बी प्योर, प्योर वाटर एट 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द इक्वेशन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा नीचे? डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 277 केल्विन, क्या आएगा? चलो बेटा समझ में आया? हाँ के ना बोल, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 277 केल्विन, एट 277 केल्विन और वी कैन से 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल हाँ। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितने सेल्सियस में रखना है? ओके बच्चों क्लियर है? हाँ कि ना? क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो फास्ट, मैसेज करो यस और नो। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट विच टेम्परेचर 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। अब एक क्वेश्चन ये होता है वाई 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सो दैट वी हैव टू टेक 4 डिग्री सेल्सियस। अभी कैसे मैक्सिमम होती, किस तरह से होती है ये हम पढ़ेंगे आगे, अभी इतना ही रखते हैं कि भाई हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, कैसे, ये जानकारी आगे लेंगे। शायद आपको केमिस्ट्री में ये जानकारी आ रही होगी तो इसको आप अपने तरफ से ध्यान में रखना है। ठीक है, बोलो कोई डाउट? क्या बच्चों इसमें कोई डाउट आ रहा है आपको? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ब्लर दिख रहा है, अच्छा ब्लर दिख रहा है, हो जाएगा क्लियर बच्चों? ब्लर ही हो रहा है अभी भी। तो बच्चों हमने देखा कि भाई रिलेटिव डेंसिटी किस हिसाब से हमें समझनी है, क्योंकि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी एट मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम सो दैट वी हैव टू टेक हियर व्हाट फॉर द रेफरेंस। यानी अब आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो तो वो रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकलती है? वाटर कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और बच्चों इसका इक्वेशन बना दिया जाए तो कि रिलेटिव डेंसिटी दैट मीन्स रो आर इज इक्वल टू रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रो ऑफ वाटर। This is simple. ये equation आपको याद रख लेना है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। बट जब आपको डेंसिटी की बात याद आए तो कहीं ना कहीं मास की भी बात उसमें होती है, मास अपॉन वॉल्यूम की बात भी होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो आप समझो कि रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो वाटर है, उसमें मैं क्या ऐसे कर दू, रो आर इज इक्वल टू मास ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। रो वाटर में
मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप कहोगे सही है भाई, सही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन हम इजी करने वाले हैं, कैलकुलेशन हम इजी करने वाले हैं। कैसे इजी करने वाले हैं? देखो तरीका, देखो हमें जिस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी मेजर करनी है तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम जितना ही ले लो। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा बच्चों। देन हम क्या लिख पाएंगे? तो भाई रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ वाटर। सिंपल हो जाएगा ना इतना? समझ में आया कि नहीं आया बताइए? हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम कट हो जाएगा, सिर्फ मास बचेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमें इन दोनों का वॉल्यूम मेजर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल ले लीजिए। ओके, तो सिर्फ मास मेजर करने से, अगर मास हमारे पास है तो वी विल गेट रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, अब एक और बात आप याद रखिए, रिलेटिव डेंसिटी जो है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो कट हो जाएगी, इसीलिए रिलेटिव हमेशा यूनिटलेस होती है। समझ में आया? कोई डाउट बच्चों? डेंसिटी आपकी बिल्कुल मैंने क्लियर करवा दी आपको, एक से एक पॉइंट आपको बताया है मैंने डेंसिटी में। तो इसका आप क्या ले लीजिए बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। क्या ले लीजिए बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब 10.2 में ही हम आगे बात कर लेते हैं। बेटा मिक्सचर आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट फ्लूइड्स और लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड और फ्लूइड जो भी हैं, उनका अगर हमने बच्चों मिक्सचर किया तो क्या होगा? तो यहां पे हमारा टॉपिक लेते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जी। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर यानी हमारे पास यहां पे दो लिक्विड है और फ्लूइड है, फ्लूइड वन और लिक्विड वन। अभी लिक्विड लेते हैं, लिक्विड वन एंड लिक्विड टू। ओके, इसका मास एम वन है और वॉल्यूम टी वन है, इसका मास एम टू है और वॉल्यूम टी वन। ठीक है, समझ में आया? यस। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, एक पीकर में दोनों को मिक्स किया, तो यहां पे इसकी जो रिजल्टेंट डेंसिटी है वो कितनी? समझ में आया बच्चों? यस सर। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि भाई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या लिखेंगे? रो इज इक्वल टू एम टोटल अपॉन वी टोटल, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ओके, अब यहां पे आप क्या लिखोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल आंसर, एकदम सिंपल आंसर है ना बच्चों? यस बिल्कुल। तो आप कहो कि सर ये तो हमें पहले से आता था, इसमें आपने क्या नया सीखा? ये तो हमें पहले से पता था, ये होगा और क्या। बट इसमें हम अगर अलग अलग केस ले, केस वन, अलग अलग केस ले, क्या अलग अलग केस हो सकते हैं? तो बच्चों जो लिक्विड वन है
और लिक्विड टू है, इसका डेटा आपको क्या दिया है वो देखिए ध्यान से। भाई मास वन इज गिवन एंड डेंसिटी ऑफ वन इज गिवन, मास टू इज गिवन एंड डेंसिटी ऑफ टू इज गिवन, दिस इज द गिवन डेटा। अगर ऐसा कुछ दिया है, इफ दिस इज द गिवन डेटा, देन हाउ टू फाइंड आउट टोटल डेंसिटी? तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, बताओ मैसेज करो। चलो बेटा, अब ऐसा अगर डेटा गिवन है तो आपसे पूछा गया रो ऑफ मिक्सचर क्या, रो ऑफ मिक्सचर क्या। अब आपको एक सिंपल तरीका याद करवाता हूँ जिससे आपको ऐसा लगे कि ना ये हमें आता है। तो तरीका कौन सा था याद करो बच्चों, तरीका ये था कि भाई जब आप स्पीड देखे थे तो स्पीड में आपने अलग अलग कंसेप्ट देखे थे, स्पीड में अलग अलग कंसेप्ट कौन कौन से थे, तो कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, उसमें टी इज नॉट गिवन और फिर डी इज नॉट गिवन, ये दो केस देखे थे, ये वही केस है बच्चों। आओ देखते हैं चलो कैसे समझो। तो रो ऑफ मिक्सचर तो आप वही लिखोगे बच्चों, एम वन प्लस एम टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, बट इस केस में वॉल्यूम इज नॉट गिवन। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो क्या करना है, तो रिप्लेस करेंगे आप और क्या करोगे, एम वन प्लस एम टू एज इट इज जो गिवन है, पर वॉल्यूम को रिप्लेस करोगे। वॉल्यूम को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सब्जेक्ट बनेगा तो मास अपॉन डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी सोचो। रो वन अगर हम लिख रहे हैं एम वन अपॉन वी वन, तो वी वन क्या लिखा जाए, एम वन अपॉन रो वन, एम वन अपॉन रो वन, एम वन अपॉन रो वन प्लस एम टू अपॉन रो टू, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मेन इक्वेशन ये नंबर वन। अब इसके अंदर हम लोग एक और स्पेशल केस देखेंगे, आपको याद तो आ गया होगा, यहां सर हमें याद आ गया, स्पेशल केस भी आपने देखा है। स्पेशल केस में अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो तो क्या हो, दोनों के मास सेम हो तो क्या हो, स्पेशल केस इफ मास ऑफ बोथ दी फ्लूइड्स और लिक्विड्स आर इक्वल देन, तो बच्चों आप क्या लिखोगे इधर, रो मिक्सचर इज इक्वल टू m प्लस m और m बाय रो 1 प्लस m बाय रो 2, m कॉमन आके यहां पे 2m हो गया, यहां पे क्या हो गया, m कॉमन आ गया, 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2 भाई ये m कट हो गया बच्चों, इधर LCM होगा 2 into रो 1 प्लस रो 2 नीचे, ये रो 2 प्लस रो 1 और रो 1 रो 2 ऊपर चले जाएंगे, रो 1 into This is the row of mixture. क्या बच्चों आपको याद है, row of mixture is equal to twice of row 1 row 2 upon row 1 plus row 2, that means what, 2 v1 v2 upon v1 plus v2, याद आया chapter number 3 किसके जैसा है, chapter number 3 के जैसा, same to same है, कोई doubt है किसी को, नहीं ना चलो बच्चों, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अब क्लियर है हाँ, क्या केस आ गया हमारे पास, टू रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, अगर तीन होती तो भाई डेंसिटी थ्री रो वन रो टू रो थ्री, रो वन रो टू रो थ्री रो वन, ओके। तो इस तरह से आप हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है समझ रहे हो, कि बिल्कुल सरल तरीका है। केस वन वॉल्यूम इज नॉट गिवन एंड वॉल्यूम अगर नहीं दिया है, मास दिए हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग केस टू भी देखते हैं बच्चों, जिसमें मास इज नॉट गिवन, ऐसा हो मास इज नॉट गिवन बच्चों, ओके हो गया। चलो अब यहां पे हम लोग केस नंबर टू देखते हैं, केस नंबर टू देखते हैं बच्चों, मास इज नॉट गिवन। अगर मास नहीं दिया हो तो क्या दिया होगा, तो भाई लिक्विड वन और लिक्विड टू,
के बारे में आपको दो इंफॉर्मेशन दी है, उसका एक वॉल्यूम और डेंसिटी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक है, तो अब हमारी जो रो मिक्सचर होगी वो अगेन वही होगी, टोटल अपॉन वो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब मास नहीं दिया है तो वी हैव टू रिप्लेस द मास बाय द सेम लॉजिक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास नहीं दिया है तो मास को रिप्लेस करेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज द रिप्लेसमेंट। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे वॉल्यूम नहीं दिया था तो वॉल्यूम को रिप्लेस किया। इस केस में क्या हो रहा है, मास इज नॉट गिवन सो दैट वी हैव टू रिप्लेस मास, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल लॉजिक। तो मास की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम प्लस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन वी वन प्लस, यस और दिस इज द आंसर। बट बच्चों अगेन देयर इज अ स्पेशल केस, देयर इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इक्वल हो तो आपको पता है आंसर क्या है, रो मिक्सचर इज इक्वल टू, अगर ये दोनों वॉल्यूम सेम हो तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा रो वन प्लस रो टू इनटू वॉल्यूम, और नीचे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम टू वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम ऊपर से कट हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ टू बचेगा, हाँ के ना, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम टू वी, और वी ऊपर है वो वी भी कट हो जाएगा। समझ में आया कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम दोनों सेम है, वॉल्यूम बाहर आ जाए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नीचे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम गया पर तो बचा रो वन प्लस रो टू बाय टू। तो बच्चों क्या कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, हाँ के ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बच्चों यहां पे हमने डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे फाइंड की जाएगी वो बिल्कुल सटीक तरीके से निकालना सीख लिया, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। अब इसके क्वेश्चन सिमिलर टू द स्पीड है, ये भी मैंने आपको बताया, तो इस तरह से इसको याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कौन सी सापेक्ष से लेवानी, तो ध्यान, अब जो 4 डिग्री सेल्सियस रहेला शुद्ध पानी में गंदा, सापेक्ष गंदा कोई भी पदार्थ नहीं तुम्हारे मापती हो तो कौनी सापेक्ष से माप पानी, कौनी सापेक्ष से माप पानी, पानी नहीं पर कितना डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस, 270 केल्विन था, हाँ ये तो आवड़े ने केमिस्ट्री में भण्या छो ने, 4 डिग्री सेल्सियस એટલે કેટલા કેલ્વિન, તો 273 માં 4 ઉમેરી દો 270 કેલ્વિન, એવું પણ ચાલી જાય। તો પાણીની ઘનતા છેદમાં સોરી પદાર્થની ઘનતા છેદમાં 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેલા શુદ્ધ પાણીની ઘનતા ને આપણે તે પદાર્થની પાણીની સાપેક્ષે ઘનતા કહીએ છીએ, બોલો હા કે ના, બોલો હા કે ના, ક્લિયર છે, યસ ઓર નો, હા ક્લિયર ક્લિયર ક્લિયર। अब आनो सूत्र लगो छु रो आर अथवा ए स्मॉल आर लगो छु, समझी जाओ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो वाटर। अच्छा कोई दिवस सापेक्ष नो एकम होय तो के ना सर, सापेक्ष नो एकम ना होय, सापेक्ष घनता नो कोई दिवस एकम ना होय ने, सापेक्ष वस्तु नो एकम होय ના, કેમ કે બંને ના એકમ સરખા છે, આ એક ઘનતા ના એક ઘનતા કટ થઈ જશે એકમ, એટલે આ એકમ રહી જશે। હવે બીજી એક વસ્તુ સમજો, ધ્યાન આપો, જો પદાર્થ અને પાણી ઉપર સમાન લેવામાં તો શું થાય, એ વિચારવા જેવું છે કે તમે જે પણ અહીંયા તરલ હોય બીજું હોય કે કોઈ પદાર્થ હોય એ ગમે તે પદાર્થનું કદ કેટલું લો એટલું પાણીનું કદ હોય ને, બંને સરખા માનો, અગર જેટલું પદાર્થનું હોય એટલું જ પાણીનું લેવું, બંનેનો કદ સરખું લો, તેનો ફાયદો શું થશે જો, તો કે રિલેટિવ ડેન્સિટી શું લખાય, રો ઓબ્જેક્ટ
अपॉन रो वॉटर, ऑब्जेक्ट ही घनता एटले दल छेदमा कद आके ना, अने पानी की घनता एटले दल छेदमा कद। समझे मारा क्लियर के थी? परंतु मैं यहाँ पे कीधु के वी ऑब्जेक्ट अने वी वॉटर सरखू होय, बंने सरखा होय, कद सरखा लई लो ताकत थई जशे, એટલે સાપેક્ષ ઘનતા સિમ્પલ બની જશે, એકદમ ઈઝી। જો તમને બંનેનું દળ પણ ખબર હોય તો તમે આ રીતના દળના સૂત્ર પરથી પણ શોધી શકો છો, પર બંનેનું કદ કેવું હોવું જોઈએ? સરખું। હવે આમાં એક પ્રશ્ન એવો આવે, એક પ્રશ્ન એવો આવે કે ભાઈ સર તમે 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસે પાણીની ઘનતા કેમ લીધી? તો આપણે આગળ ભણીશું કે ભાઈ 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસે પાણીની ઘનતા મેક્સિમમ હોય, એટલે આપણે 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લેવા, જે આગળ આપણે ભણવાના છે, ક્લિયર કરવાના છે, એટલે આની ચિંતા નહીં કરવી કે 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને પાણીની ઘનતા મહત્તમ કેમ નહીં થાય, એ પણ આપણે જોઈશું, ડિટેલમાં જોઈશું। એક એમાં એક લોજિક બીજું જોઈશું, બીજો લોજિક શું રહેશે કે બેટા જ્યારે આપણે નદીની વાત કરીએ, અત્યારે શિયાળો છે, ખૂબ જ ઠંડી હોય તો નદીમાં બરફ બની જાય, તો બરફ બની જાય છતાંય જળચર પ્રાણીઓનું જીવન તો હોય કે ન હોય? હા, જેમ કે તમે આઈસેજ પિક્ચર જોઈ હોય, તો આઈસેજ 1, 2, 3, 4 અલગ અલગ, એમાં આવું તમને ખબર પડે કે અંદર પાણી હોય, ઉપર જ બરફ હોય, નીચે તો પાણી જ હોય, એવું કેમ? એ બધું આપણે ફરી જાણ, અત્યારે આટલું ઇન્ફોર્મેશન ફોર ઘનતા ઇઝ સફિશિયન્ટ। ઓકે, તો આજે આપણે શું કર્યું બેટા? બે ટોપિક ક્લિયર કર્યા, એક દબાણ અને બીજું ઘનતા। આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બેટા।